और बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की तस्वीरें और खबरें आ रही हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आई आपको दिखा दें। बांग्लादेश हिंदुओं के लिए तेजी से जानलेवा मुल्क साबित। शेख हसीना के तख्ता पलटने, कट्टरपंथियों को हिंदुओं पर हमला करने का मौका दिया। बांग्लादेश में दंगाइयों से जान बचाने की गुहार लगा रहे हिंदू। मंदिर की है। इन आतंकियों की वजह से न तो बांग्लादेश के हिंदू मंदिर और ना ही हिंदू अब महफूज हैं। बांग्लादेश में रोजाना हिंदू हमले का शिकार हो रहे हैं, ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है। एक हिंदू परिवार दंगाइयों के रहमो करम पर नजर आ रहा है। दंगाए बेगुनाह हिंदुओं को मौत के घाट उतार रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, एक परिवार कैसे हथियारबंद कट्टरपंथियों के हमले का शिकार हुआ है। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई।
बांग्लादेश का बारिसाल जिला भी हिंदुओं के लिए संवेदनशील बन गया। उपद्रवी यहां हिंदुओं के हर एक घर को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। महेशपुर के पालपाड़ा में दंगाइयों ने इस हिंदू महिला का घर लूट लिया और वहां जमकर तोड़फोड़ मचाई। बुजुर्ग महिला उपद्रवियों की भीड़ के सामने बिल्कुल बेबस थी। न तो इसे बचाने वाला कोई था और न ही दंगाइयों को रोकने वाला। जमात इस्लामी के शह पर ये गुंडे हिंदुओं के घरों को ही नहीं बल्कि उनकी दुकानों पर भी हमले बोल रहे हैं। ये तस्वीर कोमिला जिले के एक बाजार की है। देखिए किस तरह दिन दहाड़े दंगाइयों ने एक हिंदू कारोबारी की मिठाई की दुकान को लूट लिया। दंगाइयों की इस भीड़ के सामने किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और चंद मिनटों में ही इस दुकान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिस सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं वो हिंदू आबादी के खात्मे के इरादे से किए जा रहे हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद इस्लामिक कट्टरपंथी के हाथ में देश की कमान जाती दिखाई दे रही है।